हाँ मम्मी, आज 12th का रिजल्ट आने वाला है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें लगती हो तो अच्छा रिजल्ट आएंगे। पर मम्मी आपको नहीं पता, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बहुत डर लग रही है। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे यार आपका फोन क्यों आ रहा है? बोलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, तुम बहुत खुश लग रही हो, व्हाट्स मैटर? अरे यार मेरा 80% नंबर आया है, अपना भी रिजल्ट आ गया क्या? हाँ तुमने रिजल्ट नहीं चेक किया है? नहीं मैंने नहीं चेक किया, मैं अभी चेक करती हूँ। ठीक है मुझे भी बताना। ठीक है मैं पिन डालती हूँ। वाह मेरा 90% मम्मी मम्मी मेरा 90% आया है, 90%। क्या है राहत बेटा, इतनी चिंता क्यों रही हो? मम्मी मेरा 90% आया है। वाह मैंने कहा था ना बेटा कि तुम मेहनत की हो तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा बना कर लाती हूँ। मैं पापा को बता कर आती हूँ। पापा मेरा 90% आया है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, अब आप मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा ना। नहीं बेटा अब आगे तुम नहीं पढ़ सकते। पर आपको तो पता है ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक है। तुम्हारी पढ़ाई पर पैसे लगाने से अच्छा तुम्हारी शादी कर दूँ। मम्मी आप पापा को समझाइए ना। मान लीजिए ना, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अपनी बेटी को समझा। जाने दो राहत बेटा, हम कुछ कर लेंगे। अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस पाप के आगाज इकरा से हुआ था। अंदर जा अंदर चले जा। तीन को ना मैच चले। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा 90% आया है और तुम क्लास में फर्स्ट आई हो। थैंक यू मिस। और आगे का बताओ क्या प्लान है? मिस मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाएंगे। क्यों क्या बात है? पापा कह रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाने से अच्छा है कि तुम्हारी शादी ही कर दूँ। अगर अगर पैसे की बात है तो तुम स्कॉलरशिप क्यों नहीं कर लेती? गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम चलाई रखी है, तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? और तुम्हारा परसेंटेज भी अच्छा है, इंशाल्लाह तुम्हें स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। मिस आपके पास कोई ऑप्शन है क्या स्कॉलरशिप का? हाँ मैं तुम्हें मेल करती हूँ। थैंक यू। बाजार में अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम जावेद भाई, आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरी बेटी का 80% आया है, मैं अच्छा डोनेशन देकर अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। आप बताइए आपका हाल क्या? सब ठीक है, चलिए घर पर बैठकर तफसील से बातें करते हैं। चलिए ठीक है। बेटा रहा देखो तो कौन आया है। क्या बात है पापा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम राहत बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा भी रिजल्ट आया होगा ना? हाँ मेरा 90% आया है। माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर भी उदास क्यों हो? राहत अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मी को बोलो चाय पानी लेके आएगी। मम्मी जावेद अंकल आए हैं चाय पानी के लिए बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है हाल समाचार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बताइए बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर भी उदास क्यों है? यही तो इनको समझाइए ना, राहत की पढ़ाई को ब्रेक करना चाहते हैं। अरे जमाल भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
दो दिन बाद अपनी पत्रदानी को इस तरह ना छुपाइए, अगर तत्परस्ती की पसंद आए तो तालियां बजाइए।